हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट आज चैनल पे पहली बार जुड़े हो, आप किसी भी ईयर के हो, किसी भी ब्रांच के हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर अपडेट आपके बोर्ड से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, ए टू जेड अपडेट आप सभी बच्चों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जिन भी स्टूडेंट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर आप लोगों तक है, तो इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो और उससे रिलेटेड अगर मैं आप लोगों की सभी बच्चों की, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, कल के नोटिस के बाद लगभग 100 से 150 बच्चों के ये मैसेज आए थे, उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, साथ साथ सर पी सी ए अप्लाई डेट क्या है, पी सी ए के चार्जेस क्या है, जो काफ़ी बच्चों का कहना है सर हम पी सी ए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो इससे रिलेटेड मैंने सारा कॉन्सेप्ट, क्यों आपने मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं आप सभी बच्चों तक लाऊंगा। तो ये कहाँ से, जब तक बच्चे आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं पता तो भाई बच्चों कहाँ फंस रहे। अब क्या है, मर्सी चांस वाले बच्चे या 2015-16-17 बैच के जो बच्चे हैं और खासकर 2019 बैच के बच्चे, अब क्या है पेपर पैटर्न भाई इस बार बदल गया है। अब अगर वो मर्सी चांस वाले या 15-16-17 बैच के जो अगर स्टूडेंट हैं और अगर उन्होंने अपने जिस अकॉर्डिंग उन्होंने 2015 में पेपर दिया था या 16 में दिया था या 17 में दिया था, उससे पहले उन्होंने दिया था, और उस अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करते तो 100% इस बार फेल होना बनता कन्फर्म था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया ताकि आप लोग पहले तो पेपर पैटर्न समझो और उसके बाद पीसी अप्लाई डेट क्या है कैसे मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो आपके एग्जाम में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये चार सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में पहले के अकॉर्डिंग क्या रहता था, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था। फिर हम आते थे सेक्शन बी पे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता था। फिर आती थी बात सेक्शन सी और फिर होता था हमारा भाई सेक्शन डी। बट अब की बार क्या है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे आपका जो सेक्शन ए जो होगा उसमें पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। मेरी बात को समझ लो, अभी तक एचएसबीटी ने रीअपीयर एग्जाम से रिलेटेड जो पैटर्न है कुछ कन्फर्मेशन नहीं किया, बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करना, बाद बाकी जो हो रहा है होने दो, टेंशन मत लो, जो बता रहा हूँ समझो रियल है और इसी अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। जो बच्चे आपका सेक्शन ए होगा उसमें पूछा जाएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू कहने का मतलब है आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक को आपको चूज करना होगा, सिर्फ वो क्वेश्चन आएंगे आपके 10 और एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, और तो आपके टोटल हो गए सेक्शन ए 10 मार्क्स का। मेरी बात को समझिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना यह, जो बाबू आपके सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और वो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा 10 में से आपको करने होंगे 10 और वो एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए आपके सेक्शन बी के। अब बात आती है सेक्शन बी में। देखो बाबू, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मान लो, या तो ये आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या मैंने काफी पेपर में देखा है जिनमें इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है, और वो क्वेश्चन आपके टोटल होंगे 10 और उस 10 में से आपको 10 करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेजेस ये है, जो एक क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर आपके यहाँ से आ गए। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरा कहना ये सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू, 10 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो टोटल आपके 10 वो हो गए। सेक्शन बी में बाबू आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है, या तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ कह देता हूँ, या पूछ ले डेंसिटी ऑफ स्टील डैश, या तो आपसे पूछ ले डिफाइन स्टील स्ट्रक्चर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिल सकते हैं, जो 10 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो टोटल आपके कितने हो गए 20 नंबर। ये अब बात आती है सेक्शन सी में। देख बाबू, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 15 में से आपको करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे आपका सेक्शन सी होगा उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 15 में से आपको करने हैं 10 और एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, तो टोटल आपके 60 यहाँ से आ गए। अब बात आती है सेक्शन डी, जो कि आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते थे, आपने पहले भी देखा होगा जिसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते, तो वो टोटल क्वेश्चन आएंगे 3 में से आपको करना होगा कोई एक और एक क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का, तो 10 यहां से आ गया। तो अब आप लोग पूरा काउंट कर लो, ये मैं बता रहा हूं जो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग
60 मार्क्स वाले का अलग है, 80 का अलग है, तो वो सभी आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा एचएसबीटी के साइट के ऊपर। अब क्या है, आप लोग टोटल मार्क्स काउंट कीजिए, तो सेक्शन ए में आपको 10 मिले, सेक्शन बी में 20, सेक्शन सी में 60 और सेक्शन डी में आपके 10, तो इन सबको जब आप टोटल करते हो तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 100। ठीक है, अब बात आती है सर मर्सी चांस एग्जाम पैटर्न। बाबू या आप मर्सी चांस के बच्चे हो या 2015, 16, 17, 18 या 19 बैच के, आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा रीअपीयर का वो सेम ये पैटर्न है। इस बात को लेके कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। मतलब मर्सी चांस हो या 15, 16, 17, 18 किसी भी बैच के अगर आप बच्चे हो और आप रीअपीयर एग्जाम देने जाओगे तो आपको सेम ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। ये मैंने इसलिए बताया पहले ताकि आपके पास एक महीने का टाइम है, आप लोग तैयारी में लग जाओ अभी से अपने पेपर के लिए, इस अकॉर्डिंग ही तैयारी करना। उसके बाद है सर 2015, 16, 17 वही बात है भाई, एग्जाम पैटर्न आप लोगों के बिल्कुल सेम है, घबराने की किसी भी बात, बच्चे को कोई कंफ्यूज कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग बिल्कुल पैटर्न आपका यही रहेगा। बस ये हो सकता है ये कहीं मार्क ना कम कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसा करना चाहिए, अगर इंसानियत कहीं भी होगी जिंदगी तो भाई ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये मार्क्स कम कर दे तो वो एक अलग कंडीशन है, उसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट एग्जाम पैटर्न आपका यही रहेगा। उसके बाद सेक्शन ए बी सी डी बताई दिया बाबू, सेक्शन ए में एमसीक्यू, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं या वो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सेक्शन सी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन डी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है सर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, जी हाँ इस बार आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी 100% आपके पेपर में आ सकते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, ये डिपेंड है एचएसबीटी के जो पेपर सेट करेंगे उनके ऊपर। उसके बाद है सर पीसी अप्लाई डेट, देखो भाव मैं आप लोगों को कल भी बता रहा था, जो 2019 बैच के जो बच्चे प्रमोट हुए या 2020 के, उन सभी का जो रिजल्ट है मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन में आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा 6 सेमेस्टर एंड डी फार्मेसी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, पर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का रिजल्ट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो 6 सेमेस्टर बच्चों का रिजल्ट है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था 4 तारीख तक किसी भी हाल में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, या तो बोर्ड 31 तारीख तक दे दे या मेरे अकॉर्डिंग ऐसे मान लो जो 4 सितंबर तक आप लोगों के रिजल्ट 100% आ जाएंगे। और रिजल्ट आने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपके को ऑप्शन दिया जाएगा पीसीए अप्लाई करने का, मान लो 10 तारीख तक आप लोगों के पीसीए फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे, 3 दिन का टाइम रहेगा, उसी 3 दिन के अंदर 2015 बैच के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, 16 के भी करेंगे, 17 के भी करेंगे और साथ साथ जो मर्सी चांस के बच्चे थे उनका पीसीए भी अप्लाई होगा। और 2019 बैच के कोई ऐसे बच्चे जिनका मान लो 4th सेमेस्टर में कंपार्टमेंट आ जाए या कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट आ जाए, लेकिन फर्स्ट में ऐसा बोर्ड देख रहा हूँ अपने लाइफ में जो बच्चों को प्रमोशन के बाद भी भाई कंपार्टमेंट आता है, या तो ये गलती आपके कॉलेज स्टाफ के थ्रू है या फिर बोर्ड की तरफ से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट एक ऐसा बोर्ड है जो बच्चों को प्रमोट करने के बावजूद भी कंपार्टमेंट डालता है, पता नहीं रीजन क्या है, मेरा ज़्यादा कहना सही नहीं है, तो ये सारा कुछ है। तो आई होप आप सभी बच्चों ने समझा होगा, सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्लियर, उसके बाद पीसीए अप्लाइंग डेट, बाबू अभी कोई डेट नहीं आया है, 10 तारीख से पहले पहले आप लोगों का पीसीए अप्लाई हो जाएगा, तो जब भी डेट आएगा अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहोगे आप सभी को बता दिया जाएगा जो बाबू ये डेट है और अपने जाके पीसीए अप्लाई कर लो। तो ये सारा कुछ आपके जो क्वेश्चन थे उसका मैंने जवाब दिया है, और भी जिन बच्चों के पास कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे तक शेयर करो, उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे बच्चे ठीक होंगे, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।